आप सभी का आभार। सज्जनों, माताओं, बहनों, देखिए हमारे समाज की एक स्वस्थ परंपरा है, हमें किसी कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले तो उस परमपिता परमेश्वर का नाम लेना होता है, उसके पश्चात किसी एक व्यक्ति विशेष को उस कार्यक्रम का अध्यक्ष मुख्य अतिथि निर्धारित करना पड़ता है। वो एक व्यक्ति विशेष को ही किया जा सकता है हमारी सामाजिक मर्यादा के अनुसार, लेकिन यहां आप सब के सब विशिष्ट अतिथि ही हैं, सबके सब परमात्मा के बनाए हुए हम प्राणी हैं। तो बताइए किसके जीवन की कम वैल्यू है, किसके मस्तिष्क की कम कीमत है। सब आप विशिष्ट अतिथि है पर हमारी एक समाज की स्वस्थ परंपरा है कि किसी या किन्हीं व्यक्ति विशेष को थोड़ा प्रतिनिधि के रूप में हमें अलग से सम्मान देना होता है। वो एक समाज की स्वस्थ परंपरा है, तो उसमें आपकी सहमति भी होनी चाहिए और आपका सहयोग भी होना चाहिए। पर आप सब ही आज इस शिविर को सफल बनाने के लिए आप विशिष्ट अतिथि से कोई भी कम नहीं, सभी विशिष्ट अतिथि है। और दीदी श्री रोंगटा साहब जी आ चुके हैं, श्री डी के माहेश्वरी जी आ चुके हैं, श्री घनश्याम गोयल जी आ चुके हैं, श्री ओके अग्रवाल जी आ चुके हैं, श्री हेम सिंह राणा जी जो आप गैस एजेंसी चलाते हैं समाज से भी हैं, आप सभी समाज से भी हैं, विष्णु गुप्ता जी आप सभी का स्वागत, श्री जितेंद्र त्यागी जी बादशाहपुर गांव से आए हुए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत परिवार सहित, देशवाल साहब आपका बहुत बहुत स्वागत। तो मेरी तरफ से आप सभी का स्वागत, छोटे बच्चों का भी, बच्चे ही तो हमारा भावी भविष्य है, यदि बच्चे योग करेंगे उनका चरित्र उन्नत हो जाएगा तो मैं समझता हूं राष्ट्र का चरित्र उन्नत हो जाएगा और राष्ट्र हमारा उन्नत रहेगा योग के दम पे। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये योग के जो 8 अंग हैं। सज्जनों देखिए कई लोग कह देते हैं कि धारणा ध्यान थोड़ा प्राणायाम योग भी कर लेंगे और जो है फिर सीधा इन अंगों को अपनाते हैं, 2-3 अंगों को छोड़ देते हैं, पहला को यम नियम को और फिर पहुंच जाएंगे समाधि की तरफ। ऐसा हो नहीं सकता, पहली कक्षा पास किए बिना, दूसरी कक्षा पास किए बिना एमए पीएचडी हम कोई कर नहीं सकते। तो पहली कक्षा का जो हमें अपनी नींव जमानी होती है, वो नींव जो संस्कारों की है, वह हमारा जब तक खान पान उचित नहीं होगा, जब तक हम हिंसा करते रहेंगे, हमारा खाना पीना ऐसा बिगड़ गया है, जब तक उसको शुद्ध नहीं करेंगे तो ना यम नियम का पालन होगा, जब तक हमारा व्यवहार आचरण शुद्ध नहीं होगा, उसमें हिंसा होगी, बेईमानी होगी, तब तक हम योग नहीं कर सकते। तो योग के ये दोनों अंग भी बहुत जरूरी है, सत्य हिंसा को सत्य को अपनाना पड़ेगा, अहिंसा को अपनाना पड़ेगा, तभी हम आसन और प्राणायाम का नाम दे सकेंगे, तभी आगे के और अंगों की बात कर सकेंगे। तो ठीक है भाई तैयारी, श्री अनिल कुमार आर्य बंसल जी विशाल भवन वाले आप सभी का स्वागत। चलिए जी प्रारंभ करते हैं, लेकिन मेरा निवेदन इतना ध्यान से जरा सुनेंगे कि आपको लेटना भी पड़ेगा, बाद में व्यवधान ना हो, अभी हम प्रारंभ करें उससे पहले ही थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेंगे, लेटना बैठना सब हमें सुविधापूर्वक हो जाए। बता रहे थे हमारा 8वां ये अंतरराष्ट्रीय योग शिविर है, तो इस शिविर की कुछ प्रोटोकॉल्स हैं।
जो अंतरराष्ट्रीय पाठ्यक्रम बनाया है, तो हम पहले उसकी को पालना करते हुए वो करेंगे, उसके पश्चात हम स्वतंत्र योग करेंगे, यानी कि जो हमारी रोज की दिनचर्या का योग हो सकता है उसे करेंगे। आपके सवाल जवाब किसी के होंगे, किसी जो स्वास्थ्य संबंधी किसी तरह का, उसका मैं जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं योग से चिकित्सा करता हूं। अब तक लगभग 52 देशों के लोग मेरे से योग की चिकित्सा ले चुके हैं, योग की सेवाएं ले चुके हैं, और भारतवासी तो लेते रहते हैं। फरीदाबाद का तो मैं हूँ, आप सबका, किसी का भाई, किसी का बालक, किसी का बेटा, तो आप सबका तो स्वागत है हर तरह से। लेकिन योग चिकित्सा की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम प्रोटोकॉल वाला जो योग है वो कर लेते हैं, और उसके बाद हम अपनी बात रख लेंगे। तो एक बार सभी से मेरा आग्रह है, खड़े हो जाएंगे और हाथ जोड़िए। पूर्वे सञ्जानानामुपासते ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सबसे पहले गर्दन के व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम ऐसे ऐसे करिए। हमें सर्वाइकल माइग्रेन, कंधों का दर्द, गर्दन का दर्द वो नहीं होगा। आगे पीछे कंधा को घुमाइए ऐसे, कंधों की जकड़न खुल जाए। रात को हम सो रहे थे अपने अपने बिस्तर पे, रक्त का प्रवाह, ऑक्सीजन का प्रवाह थोड़ा धीमा होता है, वो थोड़ा सक्रिय हो जाए, तीव्र हो जाए। उल्टा घुमाइए ऐसे, दाएं बाएं, पूरा पेट, पूरा सीना, पूरी पीठ हमारी ट्विस्ट हो कर दे। गर्दन ऐसे करिए, ऐसे करिए, बदलिए। भाई देवेंद्र चौधरी जी, डिप्टी मेयर फरीदाबाद के, आपका स्वागत। आगे आ जाइए मंच पे। ऐसे कमर को घुमाइए, कमर की जकड़न खुल जाए। आइए अभिवादन, स्वागत। दोनों हाथ घुटनों पे रखिए, बिगड़ने का यदि खतरा लगे तो श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचिए ऐसे। श्वास सामान्य कर दीजिए और आसन में बने रहेंगे, संतुलन क्षमता बढ़ाएगा, एकाग्रता बढ़ाएगा,
और लंबाई बढ़ाता है बच्चों को। जिन बच्चों की अभी लंबाई बढ़नी है उनकी लंबाई बढ़ाएगा ये आसन। धीरे से वापसे वृक्ष आसन, अपना बायां पैर ऐसे रख लीजिए। ध्यान रखेंगे जिन्हें संतुलन में दिक्कत हो वो ना करें, भले ही कोई ऐसी बात नहीं है। ये जंगा मूल में एडी रखनी है, पैर का पंजा नीचे की तरफ, और हाथों को ऐसे रख सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं, और यहाँ हाथ जोड़ के ऊपर खींचिए। संतुलन का अवश्य ध्यान रखें। ये घुटना साइड में रहेगा, कोई आवश्यक नहीं है रिस्क लेने ना लें। धीरे से श्वास बाहर करते हुए वापसी, तो ये दूसरी तरफ से भी करना पड़ेगा। फिर भरा श्वास और दूसरा पैर रख लिया, यहां हाथ जोड़ सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, बाकी ऐसे रख लीजिए हाथ। श्वास सामान्य चलेगा, आसन में रुके रहेंगे। ये आसन संतुलन क्षमता और एकाग्रता बढ़ाने के लिए और तत्व वृद्धि के लिए बहुत अच्छे आसन है। श्वास बाहर करते हुए धीरे से वापसी, इसके पश्चात पादहस्तासन। ध्यान रहे जिन्हें कमर दर्द है, स्लिप डिस्क है, बीपी हाई ज्यादा रहता है, वो भले ही ना करें, बाकी श्वास भरिए। श्वास बाहर करते हुए धीरे धीरे आगे झुकना है, भले ही यहां तक झुक लेना, दिक्कत नहीं लेना, और जो कर सकते हैं वो यहां तक करेंगे। श्वास बाहर किया, नॉर्मल श्वास करके थोड़ी देर रुकेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापसी जाएंगे। अब अगली बात ध्यान देंगे, अगला आसन है हमारा अर्धचंद्रासन। इसमें चक्कर आ जाता है घुटनों को, तो अपनी स्थिति देखते हुए करेंगे और सहज और सुविधाजनक जितना हो सके उतना ही करेंगे। हाथों को ऐसे ले लेंगे बड़े लोग, वरिष्ठ माताएं बहने सज्जन, बच्चे लोग इसमें ऐसे कर सकते हैं। श्वास भरिए और ऐसे करें, तो बड़े लोग ऐसे करेंगे, ध्यान दें रिस्क ना लें, बच्चे लोग ऐसे करेंगे। श्वास बाहर करते हुए धीरे से वापसी विश्राम। अब है त्रिकोण आसन, सभी कर सकते हैं। श्वास भरिए, अपना बायां हाथ इधर वाला उठाइए, थोड़े से पैर खोल देंगे, एक डेढ़ फुट सवा फुट के आसपास। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लंबा खींचिए, गलती हो गई, भूल हो गई, एक हाथ को ऐसे ऐसे सभी इस तरफ झुके, एक रूपता बने, जिससे ये मांसपेशी हमारी खींच रही है, वहां की चर्बी नहीं बढ़ेगी, वहां का कोई वायु विकार है, कोई दर्द है किसी तरह का, वो हमारा ठीक होगा और बच्चों की लंबाई बढ़ेगी। धीरे से श्वास बाहर करते हुए वापस विश्राम। ये दोनों तरफ से करने वाला आसन है। श्वास भरिए, फिर से खींचिए और ऐसे झुकते जाइए धीरे 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 धीरे, एकदम झटके से नहीं करना, योग में सहज करना है। चेहरा प्रसन्न और मुदित भाव, कोई तनाव ना हो चेहरे पे। त्रिकोण आसन, धीरे से वापसी। अब आप बैठ जाइए आराम से, ऐसे बैठ जाइए, दोनों पैरों के तलवे मिला लीजिए, सबके हो जाएगा। प्रोटोकॉल बनाने वालों ने जो सिलेबस बनाया उन्होंने सबका ध्यान रखा है। हाथ ऐसे रखिए ज्ञान मुद्रा में और बस कमर सीधी करके बैठ जाइए। ये भद्रासन है,
कमर सीधी, हमारा मेरुदंड सीधा रहना चाहिए। और माताओं से मेरा खास आग्रह, जो सज्जन होते हैं परिवार के, जो मुखिया होते हैं पुरुष भाई, पुरुष सज्जन, उनकी बहुत सारी जिम्मेवारियां बाहर की होती हैं, वो बच्चों को इतना ध्यान नहीं दे पाते। तो माता अवश्य ध्यान दें, यदि बच्चा ऐसे कमर मोड़ के बैठा है, ये हिस्सा पीछे को निकल जाएगा कुप, ये फिर वो बच्चा अपने पैर भी नहीं छू सकता, ऐसे ऐसे नहीं झुक सकता। जब उनको आगे झुकाएंगे तो पैरों तक हाथ जाएगा ही नहीं उनका। अपने घर में चेक कर लेना बच्चों को जाके, ऐसे हाथ नहीं जाएगा। यदि आप ये कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे तो आपके कमर सीधी जाते हुए और आपका माथा यहाँ लग जाएगा। ये तभी हो पाएगा जब वो रोजाना कमर का लोअर बैक जो है उसको पीछे निकाल के नहीं बैठेंगे। अगला आसन है आर्य उष्ट्रासन। जिनके घुटनों में समस्या है वो ऐसे ना बैठे, आसन करना जरूरी नहीं है, अपनी प्रिकॉशन सावधानी बहुत जरूरी है। तो ऐसे उठना है घुटनों पे और ये हाथ यहाँ पे, श्वास भरेंगे धीरे धीरे, चक्कर आता है तो नहीं करेंगे, ध्यान देना। बच्चे लोग इसे यहाँ करेंगे, तो ये आर्धकोष्ठासन है। श्वास सामान्य चलता रहेगा, धीरे से वापसी हो जाएंगे। अब शशांक आसन, इसी में जिन्हें कमर दर्द है, माता बहनों को, हर्निया हो, कोई यूट्रस की समस्या हो और कोई दिक्कत हो, वो घुटने खोल देंगे और ऐसे जाएंगे धीरे धीरे, श्वास बाहर करते हुए, पहले श्वास भर देंगे फिर बाहर करते हुए ऐसे जाएंगे। जिन्हें ये समस्या नहीं है वो घुटने मिला के रखेंगे और जाइए ऐसे आगे। श्वास सामान्य कर देंगे, जंघाओं से हमारा पेट दब रहा है, भिज रहा है, और श्वास सामान्य कर दिया, पेट फूल रहा है, सिकुड़ रहा है, उससे हमारे पेट के अंग सारे प्रभावित हो रहे हैं, उनकी शक्ति बढ़ेगी। धीरे से श्वास भरते वापसी हो जाएगी। अब अगला अभ्यास ये है वक्रासन। ध्यान देंगे सबका हो जाएगा, किसी को हानि नहीं करेगा। कोई ऑपरेशन वगैरह हो रहा हो किसी को अलग बात है, नहीं तो हानि नहीं करता, बहुत अच्छा आसन है, कमर दर्द को भी ठीक करता है। अपना बायां पैर ऐसे मोड़ लीजिए, लेफ्ट, सभी बायां मोड़िए, उसे एक रूपता भी रहती है। अनुशासन के बिना दुनिया का कोई काम सफलतापूर्वक नहीं हुआ करता। तो ये ऐसे मोड़ लिया, अब विपरीत हाथ को ऐसे घुमाइए, बायां पैर आपने मोड़ा है तो दाहिने हाथ को ऐसे घुमाइए और दूसरा हाथ यहाँ सहारे के लिए रहेगा। जो इतना ना कर पाए वो यहाँ से पकड़ लीजिए घूमने को, बहुत अच्छे से हो जाएगा सबका। और ऐसे पकड़ के ऐसे पीछे घूम जाइए आप, बस। अब आपका जब यहाँ से पेट भिज गया, दब गया, प्रेस हो गया, तो श्वास सामान्य कर दीजिए। पेट फूल रहा है, सिकुड़ रहा है, फूल रहा है, सिकुड़ रहा है, तो पेट के अंगों पे दबाव पड़ने से, दबाव बढ़ने से उनकी शक्ति बढ़ेगी। शुगर, कमर दर्द, लीवर की कमजोरी, ये सब हमारे जो अनेक प्रकार के रोग हैं, व्याधियां हैं, वो कटेगी। बहुत अच्छा आसन है, कमर दर्द में लाभ करना, पीछे देखना है, ऊंचा देखना, सामान्य श्वास चलता रहेगा, धीरे से वापसी। एक दो तीन विश्राम, अब दूसरा पैर मोड़ना है, ऐसे एटी घुटने के बाद ले आनी है, एक हाथ सहारे के लिए ले लिया, अब आप दूसरे हाथ को ऐसे घुमाते जाइए और घूम जाएंगे पीछे। श्वास सामान्य चलता रहेगा, तो जो थोड़े खाते पीते करते लोग हैं वो ऐसे पकड़ ले बस, उनका हाथ ऐसे क्रॉस नहीं हो पाएगा, वो ऐसे पकड़ ले बस, आसन हो जाएगा। ये ना सोचते कि उनका हो रहा है हमारा नहीं होगा, धीरे से वापसे। ये वक्रासन था, अब करेंगे हम भुजंग आसन। तो भुजंग आसन में आप सभी ने पेट केवल देखना है,
तो एक मिनट ध्यान देंगे जरा, आठ बाएं घूम जाएंगे, वाम अर्ध बाया आधा, तो सबके पैर सिर को नहीं लगेंगे, किसी को भी आगे वालों के पैर पीछे वालों के सिर पे नहीं लगेंगे, सिर सभी का पूजनीय आदरणीय होता है, सम्माननीय होता है, तो सिर को किसी के पैर ना लगे, ये डायरेक्शन ले लीजिए आप, ऐसे ऐसे सभी, फिर पैर नहीं लगेंगे, लेकिन मैं ऐसे रखूंगा, और अब आप करेंगे साधारण भजन विलास, श्वास भरिए और ऐसे गले को ऊपर खींचिए, कोहनी टिकी रहेगी, पैर पीछे मिले हुए, पंजे भी मिले हुए, एड़िया भी मिली हुई, गला टिका हुआ, श्वास गले से नॉर्मल चलेगा, यहां से ऐसे खींचेगा, एक मिनट भाई ध्यान देंगे मेरी आवाज को, नॉर्मल श्वास चल रहा, लेकिन उसको घने से खींचना है, तो हमें अस्थमा कोई हार्ट की समस्या वो सब नहीं होगी, अब जिन्हें दिक्कत ना हो, कमर दर्द ज्यादा हो तो ना करना, तो ऐसे कर लीजिए दूसरा अभ्यास, भुजंग आसन का दूसरा अभ्यास, श्वास सामान्य चलता रहेगा, पेट पे पूरा खिंचाओ, नाभि पे खिंचाओ, हृदय पे खिंचाओ, फेफड़ों पे खिंचाओ, गले पे खिंचाओ, बाजू इस वेट को उठा रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर, धीरे से श्वास बाहर करते हुए वापसी, अब दोनों हाथों को अपनी जगह पर ऐसे दबा लीजिए हथेलियां ऊपर करते हुए, और श्वास भरिए, अपने बाएं पैर को ऊंचा उठाइए, ऐसे श्वास सामान्य चलता रहेगा, थोड़ी जमीन पे टिकी हो, घुटना मोड़ना नहीं, हृदय फेफड़ों को मजबूती देने वाला आसन है, कमर दर्द को ठीक करता है, घुटने के दर्द को ठीक करता है, काम की कमजोरी को दूर करता है, धीरे से वापसी, फिर श्वास भरिए, दूसरा पैर उठाइए, श्वास भर के उठाया और रोके रखिए, पंजा पीछे के क्या हुआ, घुटना सीधा रहेगा, तो हृदय फेफड़ों पे दबाव आने से उनकी शक्ति बढ़ती है, बॉल को जितना पानी में दबाएंगे उतने ही प्रेशर से ऊपर वापसी आएगी, जिस चीज को जितना दबाते हैं वो उतनी सुदृढ़ और मजबूत होती है संघर्ष करने से, धीरे से वापसी, और इसके पश्चात करेंगे हम मकर आसन, दोनों हाथों को ऐसे बांध लेंगे, कोहनियां आपस में पकड़ लेंगे और माथा यहां रख लेंगे, पैर बाहर की ओर पंजे खुले हुए, एक डेढ़ फीट का अंतर, श्वास सामान्य चलेगा, तो ये मकर आसन है, पहलवान अखाड़े में कुश्ती लड़के और कोई जो थकाने वाली कसरत है उसको करके आराम से लेट जाता है, उसकी थकान और शांति दूर हो जाती है, तो अभी हमने जो आसन किए उनसे जो हमें थकान हुई वो हमारी दूर हो जाएगी, अब आप धीरे से करवट लेंगे और बैठ जाएंगे, एकदम झटके से बैठते तो किसी किसी का सिर भारी हो जाता है, मेरे पास आते हैं इस तरह के केस, इसलिए मैं बात कर रहा हूं, तो धीरे से उठेंगे तो सिर भारी नहीं होगा, चक्कर सा नहीं आएगा, अब आप सही उसी एंगल पे ध्यान देंगे, सही उसी एंगल पे पीठ के बल लेटेंगे, तो कैसे लेटना है, आपके पैर सिर यहां था ना इस एंगल पे, इधर सिर का पैर करिए और ऐसे लेटना है, आपने इस एंगल पे लेटना है कॉर्नर में, आधा बाएं मुड़ के करवट लेते हुए लेटना है, तो अब हम करेंगे अर्ध सेतु बंद आसन, दोनों पैरों को मोड़ लीजिए और श्वास भर के ऐसे एरिया उठाइए, कमर के नीचे हाथों से सहारा दे दीजिए, इस तरह से देखिए मंच पे, और आपको श्वास सामान्य कर देना है, कमर दर्द के लिए बहुत लाभकारी, हर्निया की समस्या में लाभकारी, नाभि की समस्या में लाभकारी, घुटनों के दर्द में लाभकारी,
कानों की कमजोरी में लाभकारी, माता बहनों का यूट्रस में लाभकारी, हृदय फेफड़ों को शक्ति दे रहा है क्योंकि इधर प्रेशर बढ़ गया, वायु का ब्लड का फ्लो बढ़ गया है, सिर को बहुत शक्ति देगा, मस्तिष्क हमारा प्रखर होगा। धीरे से वापसी कर लीजिए और इसके पश्चात हम करेंगे पवन मुक्त आसन। पहले एक पैर से करिए ऐसे, बायाकार दबाइए मोड़ के, श्वास बाहर करके अब श्वास सामान्य चलेगा। दूसरा पैर मोड़ लीजिए और दोनों को ऐसे दबा लीजिए। जिन्हें कमर दर्द हो, हाई बीपी हो, वो सिर ना उठाया करें, ध्यान देंगे। जिन्हें सर्वाइकल माइग्रेन हो, वो सिर उठा के थोड़ी घुटनों से ना लगाएं। बाकी जो स्वस्थ है वो घुटनों से थोड़ी लगाने का प्रयास करें, चिन टच करने का प्रयास करें, बहुत लाभकारी है। पेट गैस, मोटापा, अफारा, कमर दर्द सब में लाभ करता है। और आप धीरे से पैर सीधे कर दीजिए, श्वास भरते हुए श्वास बाहर, विश्राम, आराम से लेट जाइए। शवासन, ढीला शरीर, बिल्कुल ढीला शरीर, श्वास सामान्य चलने देंगे, अपने श्वासों को ध्यान देंगे। गर्म प्रश्वास के रूप में बाहर निकल रहा है ठंडा ऊर्जा, और शक्ति के रूप में अंदर जा रहा है प्राण ऊर्जा। धीरे से करवट लेके बैठे हो जाइए, धीरे से बाई तरफ से करवट लेके बैठे होंगे, जल्दबाजी नहीं करना, सिर भारी हो जाता है किसी का। अब हम करेंगे थोड़े से प्राणायाम, जो प्रोटोकॉल के अनुसार हम चल रहे हैं। हमें अपनी राष्ट्रीयता का, अपनी भारतीयता का, वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि ये विश्व का पाठ्यक्रम है तो उसका भी हमें सम्मान और आदर करना चाहिए। तो उस वजह से हम उस मर्यादा में बंद करके उस पाठ्यक्रम के अनुसार यहाँ पे योग कर रहे हैं। पहले आसन हमारे पूर्ण हो चुके हैं, अब हम करेंगे शुद्धि क्रिया है कपालभाति संधिरोध। कपालभाति प्राणायाम नहीं है, षटकर्म जो है उनमें से शुद्धि क्रिया है कपालभाति प्रधान क्रिया है। आंखों का त्राटक है, जल लेती है, सूत्र लेती है, धन धोती वस्त्र धोती जोड़ी क्रिया है। और किसी को मल का बंध लग जाता है तो उस समय एनिमा दिया जाता है। समाज को बहुत सारे भाई बहन जानते होंगे, मलावरोध होने पर एनिमा दिया जाता है, वो बस्ती क्रिया कहलाती है, संस्कृत में उसे बस्ती क्रिया कहते हैं। तो उन सब की प्रधान क्रिया है जो अपना भी कार्य करती है। जैसे छह बेटे हैं माता पिता के, एक बेटा बिना कुछ कहे सारे काम करता है, इशारा ही नहीं करना पड़ता और दूसरों को बार बार कहना पड़ता है, तब जाके मुश्किल से काम करते हैं। तो एक बेटा जैसे आज्ञाकारी सारे काम करता है, वैसे कपाल भाती है, आप सब जानते हैं। कर दीजिए शुरू, श्वासों को बाहर धक्का देना है, बार बार धक्का देते रहिए। सजनों, हमारा यदि किसी का पंजा कमजोर है, हाथ में ताकत कम है, तो क्या करेंगे, किसी दूसरे भाई के साथ पंजा लड़ाएंगे। पंजा लड़ाएंगे तो महीने भर बाद, दो महीने बाद रिजल्ट क्या आएगा, सामने वाले के हाथ में भी ताकत बढ़ी और आपके हाथ में भी ताकत बढ़ी। प्रतिक्रिया क्या की आपने, केवल पंजा लड़ाया, केवल दोनों हाथों से एक दूसरे को धकेला और रिजल्ट के रूप में, प्रणाम के रूप में आपके हाथों की शक्ति बढ़ी। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ध्यान देना, सांस को बाहर निकालने धक्का दे करके, जैसे ही धक्का पेट पे लग रहा है तो पेट में स्थित जो वायु थी वो बाहर निकल रही है और उस धक्के का प्रभाव जो पड़ रहा है वो पेट के सारे ऑर्गन्स पे पड़ रहा है। गुर्दे, लीवर, पैंक्रियास, जौल ग्रंथि, पित्त की थैली, नाभि, यूरिनरी ग्लैंड आते हैं और माता बहनों को यूट्रस, सारे अंग सशक्त और स्वस्थ होते हैं। इसलिए प्राणायाम से जो चिकित्सा होती है, इसलिए आसनों से चिकित्सा होती है। करते रहिए कपालभाति थोड़ी देर, तो ये कपालभाति वो सज्जन ना किया करें जिनको डिप्रेशन रहता है, जिनको हाई बीपी ज्यादा रहता है, और यदि करें तो बहुत धीमा करें। जैसे कि आप गाड़ी चलाते हैं
गाड़ी चलाते समय रोड टूटा हुआ आ जाता है तो आप गाड़ी का गियर चेंज करते हैं, गियर चेंज करते हैं तो गाड़ी भी सुरक्षित, सामने वाले भी सुरक्षित और आप भी सुरक्षित अपनी यात्रा को पूर्ण कर पाते हैं। यदि उस समय तेज गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी भी टूटेगी और कुछ नुकसान होगा, या हमारी गाड़ी में थोड़ा गड़बड़ है शरीर की गाड़ी में तो बीपी हाई है तो धीरे कर सकते हैं कपाल भाती हल्का हल्का पहले गेट में, पेट के ऑर्गन्स में दबाव फिर भी पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन यदि आप ऐसे करेंगे सर्दम सर्दा करेंगे उससे सर्द लगा जितना आप तेज करो उतना तेज मैं करूंगा, उतना तेज मैं करूंगी, मैं क्या कम खाता हूँ कम खाती हूँ नहीं आपको नुकसान देगा, ऐसे नहीं करना। अब करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये शुद्धि क्रिया थी कपाल भाती। अब करेंगे प्राणायाम, तो सभी का दाहिना हाथ ऊपर लीजिए, आपका इधर वाला है मेरा इधर वाला है तो इधर वाला हाथ ऊपर लीजिए दाहिना और दाहिना नाक अंगूठे से बंद हो जाएगा, भरिए गहरा लंबा श्वास और सजनो भरिए गहरा, दाएं से भरेंगे बाएं से निकालेंगे, बाएं से भरेंगे दाएं से निकालेंगे, इसी क्रम में भरते रहिए सजनो, आप अपना अमूल्य समय यहां दे रहे हैं, बहुत सारे आवश्यक कार्य इस समय आपको करने थे, मैं आपका आभारी हूं, ये वैश्य सभा ये सब आपके आभारी हैं, आप अपने अमूल्य समय को निकाल के आए, लेकिन मेरा यह कहने का भाव है जब इतना अमूल्य समय कीमती समय आप निकाल के आ ही गए तो फिर गहरा लंबा यानी कि 100% भरने की कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा फुलाइए फेफड़ों को और महसूस कीजिए कि अरे मेरा सीना पहले तो इतना नहीं फूलता था आज तो ज्यादा फूलने लगे, आप तो बादाम घोट के जब माँ जिम और अखाड़े में व्यायाम करने वाले कसरत करने वाले नौजवान को दूध पिलाती है हलवा बना के खिलाती है और कोई पौष्टिक व्यंजन देती है तो वो बच्चा शीशे में अपनी बॉडी देखता है, अपने बाजुओं को देखता है, सीने को देखता है, पुट्ठे देखता है और जंगाओं को देखता है कि हाँ मेरा शरीर पुष्ट बलिष्ठ और स्वस्थ होता जा रहा है, तगड़ा होता जा रहा है, माँ और पिता भी देख देख के गदगद होते हैं, तो यहाँ भी आपने क्या देखना है, आप अपने सामान्य श्वास को देख लीजिए, एक बार रिलैक्स हो जाइए विश्राम, जब हमारा सामान्य श्वास चल रहा है आंशिक रूप से हमारे फेफड़े फूलते हैं और सिकुड़ते हैं थोड़े से बार, इस समय हमारा सामान्य श्वास चल रहा है, देख लीजिए मेरा भी देखिए और आपका भी देखिए सीना कितना सा फूल रहा है, लेकिन जब हम अपना समय लगाएंगे अपनी शक्ति लगाएंगे श्वास को गहरा भरने में तो फिर देखिए कितना गुना अंदर जाएगा, देखिए इधर चाहे आप भस्त्रिका करें चाहे आप सामान्य कुछ भी श्वास भरें, डॉक्टर कहता ना स्टेथोस्कोप लगा के एक लंबा श्वास भरे तो देखिए कितना फूलता सीना, ये थोड़ी तक सीना जाएगा, कई गुना अधिक भरा जाएगा आपका नॉर्मल श्वास की अपेक्षा, तो इससे वंचित क्यों रहे हम, भरिए लंबा गहरा अनुभव करो ऐसे भरे पूरा, बार बार इतना उभारिए सीने को, पूरा भरे, ये हाथ नहीं रखना वैसे यहां पर मैं तो इशारा कर रहा हूं, गहरा लंबा भरे सीना फुलाए, अगर सामान्य श्वास 100 ग्राम है तो ये मेरे ख्याल से आप सज्जनों में से कोई बता दीजिए आगे अतिथिगण 400 ग्राम बता रहे सज्जन, ठीक है तो 75% आप ज्यादा ले पा रहे हैं, 25% से हम अपने जीवन को चलाना चाहते हैं और सजना मिलावट इतनी होगी हमारे खाद्य पदार्थों में वायु भी विषैली हो गई है और पानी भी विषैला हो गया है, ऐसे में यदि हमारे पूर्वज थे बड़े बूढ़े बड़े बुजुर्ग थे वो उस समय मिलावट नहीं थी केवल सामान्य श्वासों में अपने जीवन को स्वस्थ रह के चले गए हैं वो, लेकिन हमारे लिए चुनौती का वातावरण है, हमें तो फिर स्वयं प्रणाम करके अपने आप को स्वस्थ रखना पड़ेगा, तो गहरे लंबे भरने हैं श्वास, सीना बार बार ऊंचा फुलाना है, तो ये था आपका अनुलोम विलोम, अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, सब जानते हैं कानों से अंगूठा से कानों को बंद करना है और ये नाक को जहां हड्डी शुरू होती है यहाँ नथुना से थोड़ा ऊपर
नाक रिंग फिंगर से अनामिका से थोड़ा सा बंद करना है, आधा नाक बंद करेंगे ध्यान देना, और ओम बोलना है मुख बंद करके। जैसे ही आप श्वास भर के ओम बोलेंगे अंदर म्यूजिक सा बजेगा, जैसे भाई दोनों बजा रहे कैलाश जी और सहदेव आर्य जी, वैसे ही अंदर म्यूजिक सा बजेगा। भरिए श्वास पांच बार लगातार करिए, श्वास भरेंगे ओम बोलते रहेंगे निकल जाएगा श्वास, फिर भरेंगे ओम बोलते रहेंगे, ऐसे पांच बार भरेंगे श्वास। बीपी और लो बीपी केवल एकमात्र प्राणायाम है ये भ्रामरी जो दोनों बीपी को ठीक करता है। यदि हम बीपी को गोलियां लेकर नियंत्रित करेंगे तो हमारी किडनी पे इफेक्ट आता है, कुछ दिन हमें डायलिसिस की नौबत आ जाएगी, इसलिए बीपी की गोली लेके भी बीपी नियंत्रित ना करें। यदि हाई रहता है तो ये भ्रामरी भी करे, शीतकारी शिकली अभी आगे आने वाले समय में बताऊंगा मैं ये पहले प्रोटोकॉल का पूरा करके। तो भ्रामरी बहुत उत्तम प्रणाम है, आपकी भक्ति भी हो रही है, परमात्मा का नाम जो मुख्य नाम है वो लिया जा रहा है बार बार, और मस्तिष्क ऐसा शांति तनाव स्ट्रेस सबसे मुक्त हो जाएगा कि बहुत ठंडक पड़ जाएगी मस्तिष्क के अंदर, ऊर्जावान हो जाएगा मस्तिष्क हमारा, उतना ही फिर से दिमागी काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। अगला अभ्यास हम करेंगे ध्यान का काम, थोड़ी देर अपने सुखद आसन में बैठ जाएंगे। ये प्रोटोकॉल का हमारा सिलेबस चल रहा है तो बिल्कुल शांत चित्त होकर बैठ जाएंगे, आंखें बंद करके जो मुद्रा आपको सुखद लगे इस समय, पैर किसी को सीधे कर ले भले सीधे कर लेंगे, कोई ऐसी बंधन नहीं है कि आपको आपकी पालती में रहना, किसी को दिक्कत आ रही हो, किसी को दिक्कत लगे तो लेट भी सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं तरह से, बस थोड़ी देर परमात्मा में हमें लीन होना है, उनकी रचनाओं में खोना है। तो आंखें बंद करके थोड़ी देर मुझे सुनने का प्रयास करेंगे। सजना हमारा ध्यान कहां कहां लगता है, कहां कहां नहीं लगता, उस पर हमें चिंतन करना चाहिए, चिंतन करना पड़ेगा। हमारा ध्यान बेटे में लगता है, बिटिया में लगता है, पत्नी में लगता है, माता पिता में लगता है, सामाजिक मित्रों में रिश्तेदारों में लगता है, व्यापार में लगता है, बिजनेस में लगता है, कारोबार में लगता है, और बहुत सारे कार्यों में लगता है, समाज सेवा में भी डॉक्टरों का ध्यान लगता है, लेकिन नहीं लगता, नहीं लगता तो कहाँ नहीं लगता, जहाँ लगना चाहिए वहाँ ध्यान हमारा नहीं लगता। जब वहाँ लगा देंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ये सब ध्यान झूठे हैं, वो ध्यान सच्चा है, केवल केवल परमात्मा के अंदर हमें ध्यान लगाने की आवश्यकता है। जो परमात्मा हमें सब कुछ दे रहे हैं, इस प्रकृति के सारे पदार्थ, इतने भांति भांति के फल हैं, इतने भांति भांति के वृक्ष हैं, सबके पत्तों की गंदन अलग है, सबकी टहनियों की बनावट अलग है, तने की बनावट अलग है, किसने बनाया, कौन रचनाकार है, उस रचनाकार का दीदार, उस रचनाकार का दर्शन उन्हीं की रचनाओं के अंदर हमें करना है। नदियां नाले झरने सब हमारे ही लाभ के लिए, हमारे ही हित के लिए, हमारे ही पोषण के लिए बह रहे हैं, उनमें जो अमृत जल बह रहा है उस जल से न केवल हमारे पोषण मिलता है और हमें आवश्यकता के सारे कार्य पूरे करने के लिए वो जल ही काम आता है। ये जो फलों के रस है उनसे हम कपड़े भी धो सकते हैं, उनके हम
उनसे हम शराब नहीं कर सकते। वो जल परमात्मा ने कैसे बनाया, कैसे बह रहा है, मैं समझता हूँ संसार की सबसे कोई बड़ी घटना है तो ये वर्षा की घटना है। यदि वर्षा होनी बंद हो जाए, परमात्मा यदि ऐसा कर देते हैं तो अकाल पड़ जाता है। हम परमात्मा की इस वर्षा की घटना को ध्यान में लाए, ध्यान लगेगा जिससे साल से साल प्राणी मात्र को जल की बहुतायत में आपूर्ति होती है, कभी भी कम नहीं पड़ता ये जल। इस जल को हम बचाए, सेव करें, रक्षा करें, वृक्षों को बचाए, वृक्षों की रक्षा करें, हमारा आयुक्त बनता है, क्योंकि परमात्मा के दर्शन होंगे तो इन्हीं के अंदर होंगे, प्रकृति के पदार्थों के अंदर, जीव जगत के अंदर, प्राणी मात्र के अंदर हमें परमात्मा के दर्शन करने हैं। मेरा मेरी से थोड़ा ऊपर उठना होगा, हमें परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। उस रत्नाकार को यह ध्यान था कि यदि मनुष्यों की सबकी आकृति एक जैसी बना दी जाए तो झगड़े फसाद बढ़ जाएंगे, बंटवारे नहीं हो पाएंगे, मेरा मेरी में रह जाएंगे। इसलिए परमात्मा ने सबका चेहरा अलग बनाया है, चेहरे की बनावट नहीं मिलती, भाई भाई की नहीं मिलती, बहन की नहीं मिलती, और किसी की नहीं मिलती। नाक छोटा सा नाक है हमारे मस्तक पे, उसकी बनावट अलग है सबका। किसी का सुआ सा नाक है, किसी का तोता सा नाक है, कहते भी हम। और सजनो, हमारा जो अंगूठे का जो प्रिंट है वो किसी का मेल नहीं खाता। उस बनाने वाले को, उस रत्नाकार को यह अवश्य ध्यान था कि झगड़े वितंडे बढ़ जाएंगे यदि मैंने इनकी बनावट में एक रूपता ला दी। कई सज्जन कहते हैं नहीं, ये तो केमिकल रिएक्शन होता है। जीवन में परमात्मा नाम की कोई शक्ति नहीं है, परमात्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है। केमिकल रिएक्शन से ये सारी सृष्टि का जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, ये सारी प्रकृति जगत नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। केमिकल को ध्यान नहीं हो सकता इस बात का कि चेहरा सबका एक जैसा हो गया तो झगड़े फसाद बढ़ जाएंगे, बंटवारे में दिक्कत आएगी। केमिकल को इस बात का ध्यान नहीं हो सकता कि सबके अंगूठों की जो बनावट है वो एक जैसी हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। वो तो कोई चिंतन करने वाला है हमारे हित में, जिसे ध्यान था कि सबके अंगूठे एक जैसे हो गए तो अंगूठे से जो हम आज हाजिरी भी लगा रहे हैं, प्रॉपर्टी बंटवारे में, प्रॉपर्टी के एक दूसरे के हस्तांतरण में हम अंगूठा लगा करके अधिकार देते हैं एक दूसरे को, तो सजनों परमात्मा की इन रचनाओं में हम अपने आप को खो दें। ये मधुर मधुर जो फल उस ईश्वर ने बनाए हैं, अनेकों प्रकार का उनके अंदर रस, खट्टा, मीठा, कसैला, कड़वा इत्यादि जो भरे हैं, वो सब उस परमात्मा की महान अनुकंपा से हो रहा है। धरती तो वही है, गमला तो वही है, किचन गार्डन तो वही है, उसमें नींबू लगा दिया तो खट्टा है, उसमें गन्ना लगा दिया तो मीठा है, आम लगाया तो पहले खट्टा हुआ, बाद में वो अमृत जैसा मीठा हो गया, और कोई चीज लगा दी तो वो अपने अपने स्वादों को लिए हुए हैं, वो अपने अपने गुणों से ओत प्रोत है। कहाँ से आए वो, गमले में मिट्टी तो वही थी, खाद तो हमने वही दिया, पानी तो हमने वही दिया, एक जैसा ही वो मेरे परम पिता परमेश्वर की वो महिमा है, महान शक्ति है, जो 18 के 18 पोषक तत्व है उन्होंने मिट्टी में हमेशा हमेशा के लिए मिला दिए। किसान हमेशा सदैव फल फसल बोता रहता है, फल अन्न उगाता रहता है, और वो कभी भी खत्म नहीं होते, ऊर्जा निरंतर मिलती रहती है। इन रचनाओं के अंदर आप अपने ध्यान को खो दें, बहुत लंबा हो जाएगा मैं, क्योंकि समय की मर्यादा है। थोड़ी देर का ध्यान था, अपने ध्यान को फिर से अंकुश में लीजिए, नासा के भाग पे केंद्रित कीजिए, अपने श्वास पे केंद्रित कीजिए। श्वास अंदर जा रहा है, हम तो बातों में लगे हुए थे, हम तो सुनने में लगे थे, हम तो चिंतन में लगे थे, लेकिन वो श्वास प्रश्वास उस प्यारे प्रभु की कृपा से, उस परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से निरंतर अंदर जा रहा है। मैं कई सज्जनों से कहता हूँ, आप सांस लेते हैं, बोले हम निरंतर लेते हैं सांस, मैंने कहा सोते हुए कब लेते हो, तो सोते जागते सब जगह हमारे हर समय श्वासों को वो परमात्मा अंदर दे रहे हैं, भेज रहे हैं, ऐसी ऑक्सीजन की व्यवस्था की है, और जब वो इस्तेमाल हो जाते हैं हमें शक्ति दे देते हैं, उसके पश्चात वो अशक्ति जब शेष रह जाती है हमारे शरीर के अंदर, वो अपान के रूप में बाहर निकल जाते हैं। अंदर जाने वाला प्राण है, बाहर निष्कासित होने वाला अपान है, वो हमारे रोगों को, दोषों को,
हमारी कलुषितताओं को बाहर निष्कासित कर रहा है। ये प्राण अपान का कार्य है, कितना महान कार्य है। जिस समय शरीर यहाँ होता है और प्राण रुक जाता है, शरीर तो है, आंखें देख नहीं सकती, हाथ उठ नहीं सकते, कान सुन नहीं सकते, जिह्वा बोल नहीं सकती, मुख कुछ खा भी नहीं सकता, शब्द नहीं बोल सकता, सारा शरीर तो यही है। फिर निकल क्या गया, वो परम पिता परमेश्वर की जो मुख्य शक्ति प्राण है वो निकल गई। इसलिए सजनों प्राण को मजबूत कर लीजिए, धीरे से आंखें खोल लीजिए और अब हम कहेंगे संकल्प। एक बार खड़े हो जाएंगे, संकल्प हमें खड़े होकर लेना चाहिए, फिर हमारा प्रोटोकॉल पूरा होता है। सजनों दिक्कत कहां आती है, हम जब संकल्प में विकल्प ढूंढ लेते हैं कि नहीं सुबह अलार्म तो लगाया 4 बजे का, चलो थोड़ी देर और सो लेते हैं, आधा घंटा 10 मिनट 20 मिनट, विकल्प आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर नींद खुलेगी आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद। हमें कल से व्यायाम कसरत प्राणायाम तो करना है, लेकिन नहीं परसों से करेंगे, आज से करना चाहिए था। संकल्प तो ये होना चाहिए हम कल से करेंगे, परसों से करेंगे, वो कभी आता नहीं। संकल्प में जहां विकल्प आ जाएगा वही दिक्कत हो जाएगी, वही हमारा नियम और अनुशासन बनना बंद हो जाएगा, वो फिर हम उसी पुराने डरने पे आ जाएंगे। तो आइए संकल्प लेते हैं। आज 8वें योग दिवस पे मैं आपको आह्वान करता हूँ, हाथ जोड़ करके, आप निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे और कोई आपको व्याधि बीमार नहीं होगी। तो संकल्प लें कि हम इन गहरे श्वासों को जिस 75% से, जिस 75% अवसर को देने से हम वंचित रह जाते हैं, हम उन गहरे श्वासों को अपनी शक्ति लगा के, अपना समय लगा के भरे। जिन आसनों से हमारी मांसपेशियां खिंचती है, हमारे अंग प्रत्यंग खिंचते हैं, हमारी हड्डियों में खिंचाव आता है, हमारे त्वचा पे खिंचाव आता है, मांस पे खिंचाव आता है, दबाव आता है, रोग छिद्रों पे खिंचाव आता है, वो फटते हैं, उनकी शक्ति बढ़ेगी बढ़ेगी, वो कभी रोग उनमें आएगा नहीं। इसलिए आइए ये संकल्प लेते हैं 8वें योग दिवस के ऊपर कि हमें निश्चित रूप से रोजाना योग करना है और पड़ोसियों को करवाना, रिश्तेदारों को करवाना, अपनों को करवाना है, पराया को कराना है, समाज के सब लोगों को कराने का संकल्प लेते हैं। तो हाथ आगे करिए, हमें मेरे साथ बोलेंगे भी, हमें हमारे मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में हमारा आत्मविश्वास समाया हुआ है। हाथ जोड़िए, ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वेदेव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्याम शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। भारत माता की जय, वैदिक धर्म की जय, वैदिक धर्म की जय। सभी को सब नमस्ते, धन्यवाद। ये हमारा प्रोटोकॉल पूरा हो गया, अब हम खड़े हैं तो खड़े वाले आसन पूर्ण कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ हम राष्ट्रीय मर्यादा से बंधे हुए थे। तीन चार दो आसन हमारे राष्ट्रीय सिलेबस में थे, पाठ्यक्रम में थे, अब थोड़ा हम खुले रूप से कर लेते हैं। तो अगले आसन जो खड़े होकर के रह गए हैं, जो हमें बहुत अच्छा खिंचाव देते हैं, शक्ति देते हैं, सामर्थ्य देते हैं, कई लोगों को ठीक करते हैं, आपका सहयोग यदि मिलेगा मैं 3 घंटे 4 घंटे करा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं थकूंगा, पर आप सहयोग दीजिए। बहुत कुछ देके जाना चाहता हूं, सज्जनों माताओं बहनों में केवल और केवल योग से ही चिकित्सा करता हूं, अनेकों बीमारियों की और सारे के साथ ठीक होते, ये मेरे पास रिकॉर्ड रखा हुआ है, ये डायरिया रखी है, इसमें विदेशियों की भी और देशवासियों की भी जो मैं सेवा करता हूँ, चिकित्सा करता हूँ, अनेकों भयंकर बीमारियों की जो हॉस्पिटलों में ठीक नहीं हुए उन्हें योग से ठीक करता हूँ, उस परम पिता परमेश्वर के अधीन रह करके करने वाले वो रहे हैं और मुझे श्रेय मिल जाता है, आशीर्वाद मिल जाता है। तो इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा देना चाहूंगा, तो कुछ आसन रह गए थे खड़े वाले उनको पूर्ण करते हैं। जो बड़े लोग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, हमारी माताएं हैं, सज्जन हैं, वो संतुलन का ध्यान रखेंगे,
तो ये अगला आसन है हमारा नटराज आसन। ऐसे करिए, देखिए कंधा कितना पीछे, वो बाजू खींच रही है, कंधे का दर्द ठीक होता है इससे, कमर का दर्द ठीक होता है, लेकिन इसको जब आप घर पे करेंगे तो सहारा ले लेंगे, दीवार का, किसी पिलर का, किसी कोने का, किसी विंडो खिड़की का, कुर्सी टेबल का सहारा लेके करना। यहाँ तो केवल मात्र सीख रहे, यहाँ रिस्क मत लेना, इतना मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। नहीं होता कोई बात नहीं, जिनके संतुलन में दिक्कत है वो देख लीजिए बस। हम इसको दूसरे पैर से करेंगे, बहुत गजब का आसन है, सर्वाइकल, माइग्रेन, कंधों का दर्द, बाजू की कमजोरी और सैटिका, कमर दर्द, घुटने के दर्द, सब में लाभ करेगा, लेकिन दर्द बढ़ा देगा घुटने का। कब? जब जब हमारी ऐसे ऐसे नौबत आ जाएगी, गिरने को हुए, ऐसे ऐसे बैलेंस बिगड़े ना, तब हमें दिक्कत आ जाएगी, घुटने पर और प्रेशर आ जाएगा, इसलिए सहारा लेके करने की बात कर रहा हूँ। अगला आसन, अब आप ऐसे थोड़े थोड़े घूम जाएंगे, पैर खोल लीजिए, मंत्री जी भाई देवेंद्र जी का स्वागत करा रहे हैं, आपका सहयोग चाहिए। मात्र योग में बीच में एक मिनट का समय लूंगा, अपने बीच में श्री देवेंद्र चौधरी, सीनियर डिप्टी मेयर नगर निगम फरीदाबाद, केंद्रीय राज्य मंत्री चौधरी किशनपाल गुर्जर जी के सुपुत्र हैं, वो समय निकालकर अपने योग के कार्यक्रम में आए हैं। उनको सरकारी कार्यक्रम जो योग का है सेक्टर 12 में, उसमें पहुंचना है, तो उनका मैं धन्यवाद करते हुए उनका यहाँ आप सबकी ओर से अभिनंदन करता हूँ, और उनके सम्मान के लिए मैं रुमटा साहब से निवेदन करता हूँ। एक बार खंडेरवाल साहब और अनिल नागर जी जो हमारे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं, कृपया वो भी मंच पर आ जाए, उनको भी वहाँ सरकार के कार्यक्रम में जो प्रशासन के द्वारा आयोजित है उसमें जाना है। स्वागत की इसी कड़ी में देखा होगा पैरालंपिक में आप दो पदक जीत के आए, एक सिल्वर और सिल्वर और सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाए और देश का मान सम्मान बढ़ाया, गौरव बढ़ाया। भाई सिंगराज धाना जी बल्लभगढ़ से है, ऊंचा गांव से, आपका हार्दिक स्वागत। तो ऐसे खिलाड़ियों के दम पे भारत को गर्व होता है और गर्व होना भी चाहिए, तो हमें हर्ष हो रहा होगा यहाँ स्वागत करते हुए, इन सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए। तो युवा जो बहन है, युवतियां, बेटे जो है, बच्चे हैं, वो प्रेरणा लें। ये जो सिंगराज अधाना जी है, पिछला जो नगर निगम का चुनाव हुआ था, भाई देवेंद्र जी जानते भी है, उसमें ये नगर निगम का चुनाव लड़े थे, भतीजे को प्रैक्टिस कराने ले गए थे, ऐसे ऐसे करते रहो, भतीजे को प्रैक्टिस कराने ले जाते थे, एक दिन मन में आ गया कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, शूटिंग शुरू कर दी और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल सब टॉप करते करते नेशनल जो जीतेगा वही इंटरनेशनल में जाएगा, और इंटरनेशनल में फिर आपके एशियाड जीते, एशियाड के बाद वो लंबी लिस्ट हो जाएगी, फिर ओलंपिक में जीतने के बाद आपके सामने है। आपका बहुत बहुत हृदय से स्वागत। सभी करेंगे ताड़ आसन दोबारा से, थोड़ा थोड़ा सांस लेंगे, हाँ खड़े खड़े हो जाएंगे जी, श्वास भरिए, आप
पैर ऐसे रखेंगे, ये उठाएंगे भरिए श्वास और ऐसे खींचिए ऊपर। कैमरा मैन उधर भी देखेंगे भाई, उधर यहाँ फ्रंट से आगे ले लेंगे फोटो सभी का। ताड़ासन यहाँ जाओ भाई एक बार, अभी आप ऐसे रखना बड़े सज्जन एडिया मत उठाना, माता बहने और हमारे वरिष्ठ नागरिक एडिया मत उठाना, संतुलन बनाने दिक्कत आ गई, फोटोग्राफर का पता नहीं कितनी देर आपको ऐसा खड़े रखते हैं। सबका ले लेना हर एंगल से, सभी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद। और एक आसन और ले लीजिए ऐसे खड़े खड़े, चलो कोई बात कोई बात नहीं। सभी व्यस्तताएं हैं, सभी जगह जाना होता है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबने साथ दिया, आज आपका बहुत बहुत अभिनंदन अतिथियों के साथ व्यक्त करता है मैं आभारी हूं आपका। तो अब हम करते हैं अगले अभ्यास। एक सूचना और है, माननीय मंत्री जी की जो सेवाएं हैं योग में राखी गढ़ी हिसार में लगी है केंद्र सरकार की ओर से, तो उनका भी आना था यहाँ हमको, लेकिन उनकी सरकार की तरफ से वहाँ जाना हो गया, तो उनके प्रतिनिधि स्वरूप और शहर के डिप्टी मेयर के नाते देवेंद्र चौधरी जी आए हैं, आपका अभिनंदन। भाई देवेंद्र जी का स्वागत, बहुत सारी मर्यादाएं होंगी आपस की, बहुत सारी व्यवस्थाएं होती है, कोई बात नहीं आप समय निकाल के आए, आगे भी बहुत जगह जाना होगा, तो आभार सभी अतिथियों का। ऐसे घूमना है बांधे सजा ध्यान देंगे, पोजिशन ले लीजिए पैर खोल के, ये यहाँ की जगड़न को खोलता है, आप उतना ही करेंगे जितना सुविधा से होगा, ध्यान देंगे ज्यादा ना घूमे, ऐसे एडी बच्चे घुमाते जाइए, देखिए शरीर पर जैसे तौलिया निचोड़ते हैं ऐसे निचोड़ के रोगों को निकालते हैं, ऐसे घूमते जाना है धीरे धीरे संतुलन बनाते हुए, इतना सब कर सकते हैं यहाँ तक, अब आगे का भले ही मत करना, और ऐसे घूमना है धीरे धीरे वासे। अरे साहब स्वागत स्वागत, धीरे धीरे वापसी करके ऐसे ही दूसरे, ये सारा मध्य प्रदेश जो अकड़न है, अकड़न है वो खुलेगी और ऐसे घूमते जाएंगे धीरे धीरे, जितना आसानी से उतना ही करेंगे, धीरे से वापसी। और अब यहीं पे हम करेंगे सूर्य नमस्कार, जो कर सकेंगे उन्हीं को करना है, जिन्हें कैसे भी व्यक्तिगत दिक्कत हो मत करना, तो चलिए श्वास भरेंगे तीन चार बार करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, भरा श्वास ऐसे खींचा, श्वास बाहर करते हुए धीरे से वापसी, तीन चार पांच पे अभ्यास, एक हुई पैर जाए उठा बना जाए, छह पे ऐसे, सात पे ऐसे, आठ पैर जाए उठा बना जाए, नौ ऐसे, दस ग्यारह बारह, फिर एक बार, एक दो तीन चार पांच, एक एक गिरा के, छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, एक दो धीरे धीरे कर लें, तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, एक बार और लास्ट, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, आराम से बैठ जाएंगे।
साधनों देखिए, ये प्रोटोकॉल का हमारा सिलेबस हो गया है और हम बाकी के शेष प्राणायाम भी करेंगे, आसन भी करेंगे और आपके किसी के सवाल हो किसी रोग विशेष के आधार पे तो आप वो सवाल उठा सकते हैं, वहां से यहाँ के बता सकते हैं, उसके अनुसार मैं आपको योग बताऊंगा जिससे आपकी चिकित्सा हो और आपकी खून पसीने की गाड़ी कमाई आप समझ जाएंगे बस, ठीक है जी। वो घर में काम आने चाहिए, आपकी सुख सुविधा में काम आने चाहिए, वो शरीर की पीड़ा में काम नहीं आने चाहिए, तो वो अनावश्यक ना जाए हमारी, तो हमारे ऊपर हमारे वर्धन के लिए हमारे उत्सर्ग के लिए काम आने चाहिए, तो इसलिए मेरी आपसे निवेदन है। और मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा, अनुमति चाहूंगा कि क्या हम इस कार्यक्रम को 5 से 7 है बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा समर्थन है आपका, 7:15 तक कर लें, कर लें जी, ठीक है। तो 5 मिनट जो सिंगला साहब कुछ थोड़ी सी औपचारिकता है जो जरूरी होती है किसी कार्यक्रम की, फिर बीच में व्यवधान ना आए इसलिए लगातार चलते रहेंगे, तो सिंगला साहब अपने आप 5-7 मिनट जो भी लेने हैं लेते रहेंगे और हम करते रहेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपाल भाती क्रिया, चक्की चलाना, बटरफ्लाई, जो जो जिनको अच्छा लगे करते रहेंगे, आपको कोई ऐसी बाधा नहीं होगी, करिए धीरे धीरे, सुनते रहेंगे करते रहेंगे। पैर खोल के जिनको कमर दर्द हो वो ज्यादा आगे ना झुके, जिन्हें थोड़ा सा जो समाज के पदाधिकारी हैं वो थोड़ा मंच के पास आ जाएंगे। आज के इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि का जिनकी कृपा में उपस्थिति में ये कार्यक्रम हो रहा है, हम उनका मात्र 5 मिनट के लिए आपका समय लेंगे। योगी योगाचार्य जी ने आपसे 10 मिनट की अनुमति शिविर को आगे बढ़ाने की दी है, वो उसमें कंपनसेट करेंगे, लेकिन जो ये 10 मिनट हम ले रहे हैं प्लीज, मैं निवेदन करता हूँ श्री अक्टर रुंता साहब कृपया आगे आ जाए, समय कम लगे श्री रुंता साहब मंच पर मंच के आगे करेंगे। शिवराज सिंह चौहान जी जिस प्रदेश को लेकर शरीर के प्रदेश को देखिए, ये भी जरूरी है सज्जनों, क्योंकि योग का कार्यक्रम 2 महीने पहले की बात है, इस बात को रुंता साहब ने कहा योग के कार्यक्रम के आगे बढ़े, ये इनका मेहनत और प्रोत्साहन दिख रहा है, हमारा प्रतिष्ठान आपके साथ खड़ा है, उद्योगपति हैं कृपया आगे आए, उनके सम्मान के लिए अरुण गुप्ता जी, बीके जैन जी, हम इतनी संख्या में यहाँ इतने सुखपूर्वक बैठ के इतनी सुविधाओं के साथ योग कर पा रहे हैं, इतना बड़ा परिवार हमारा इकट्ठा है, तो के साथ सज्जनों के पवित्र सहयोग से ये कार्य हो पा रहा है, श्री घनश्याम गोयल जी ऐसे सहयोगियों का आपका सम्मान सत्कार है, समाज सेवी है, उनके सम्मान के लिए प्रवीण सिंगला जी तो इनका और समाज के पदाधिकारी आगे आए, राजू सवानी कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करें, आप आ जाओ, नरेश अग्रवाल जी आप हमारे सलाहकार हैं, नरेश अग्रवाल जी यदि अच्छे काम करिए करने वाले समाज में नहीं रहेंगे, सुरेंद्र सिंह राणा जी तो राष्ट्र आगे नहीं बढ़ता, फिर इसलिए राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए चिड़िया चींटी इत्यादि उन सब अमरीश गोयल जी और जो यहाँ आस पास समाज के पदाधिकारी हैं, मनमोहन को बोला मनमोहन जी आ जाए, श्री जो जनपद राष्ट्रीय पदाधिकारी एक बार आ जाए, जल्दी एक बार आ जाए, एक बार आगे आएंगे, श्री तेजपाल सिंह जी बहुत शीघ्रता के साथ आपका ज्यादा समय ना लें इसमें, श्री तेजपाल सिंह जी सेक्टर 28 में रघुनाथ मंदिर के सामने आपका घर है, और अनिल
श्री बंसल जी विशाल फोन करते वाले हर शिविर में आते हैं, आप आइए कृपया। राजू स्वामी आज अमरीश जी स्वागत कर विशाल फॉर्म से, विशाल फॉर्म से बंसल जी तो समाज को श्री विष्णु गुप्ता जी आज बॉम्बे में जाने वाले ऐसे सभी आदरणीयों का इस मंच पे बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है, सम्मान है। आप ऐसे ही प्रेरणादायक कार्य करते रहे, समाज न केवल मनुष्यों का बल्कि प्राणी मात्र का हित जिस जिन कार्यों में छुपा हो उन कार्यों को हम करते रहे, ऐसी प्रेरणा ऐसा संकल्प हम वृक्ष ज्यादा से ज्यादा लगाए, ठीक है भाई जी, हम जल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए, तो ऐसा ना किया करें, बाल्टिया की बाल्टिया उड़ेलते हैं, स्नान करते हैं, कार्यकारिणी अपनी जगह पर है लेकिन कार्यक्रम का सहयोग आपने किया है, ज्यादा से ज्यादा एक बार भी से स्नान हो जाता है तो हम पानी भी बचाए, पर्यावरण भी बचाए, तो ऐसे समाज सेवियों का, और ऐसा नहीं है, ध्यान देना सज्जनों कि यही समाज सेवी है, आप सब समाज सेवी है, वो कुछ गिने चुनों का क्योंकि एक मर्यादा के अनुसार, ठीक है ना जी, कुछ अनियमितता ना हो जाए, आप सब समाज सेवी है, आप सब समाज सम्मान के पात्र है, आप सब सम्मान के पात्र है, आप निश्चित रूप से अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई को कहीं ना कहीं समाज हित के कार्य और प्राणी हित के कार्यों में लगाते हैं। दो तीन मिनट और लूंगा प्लीज, आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्थल पर चारों तरफ बैनर लगे हैं, 50 संस्थाओं ने इस कार्यक्रम के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। अभी हरिदास मंदिर में पिछले हफ्ते मीटिंग हुई थी, उसमें 50 संस्थाओं के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए और सभी ने कहा कि वैश्य समाज द्वारा जो आयोजित किया योग का कार्यक्रम है हमारा उसमें समर्थन सहयोग है, वो एक बार सभी पदाधिकारी मैं नाम बोलता हूँ मंच के आगे आ जाएंगे एक ग्रुप फोटो के लिए, एक मैं सीधा लेगा आपका हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से राजेंद्र सिंह शर्मा जी, कृषि मंडल परिषद से पक्षी जी, तो आसन देखो ये खिंचाव लीजिए, ये अकेला आसन सैनिक का को ठीक कर, वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 30 से कसूर यादव जी खींचिए ऐसे और रवि कपूर जी साथ में आते गुप्ता जी आ जाए बोर्ड प्रधान, सभी सज्जन आ जाए थोड़ा जल्दी समय ना लगाए, श्री राधा कृष्ण मंदिर से देशपाल सिंह जी, वात्सल्य सेवा समिति से भारतीय योग संस्थान महिला शाखा सेक्टर 29 से श्रीमती शशि गुप्ता जी, भारतीय योग संस्थान योग विज्ञान और मानव कल्याण ट्रस्ट महिला शाखा बागत ए सेक्टर 28 से वीना जी, श्री महावीर दिगंबर जैन सोसाइटी से अरविंद जैन जी, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 28 फोकर बी से राजीव मल्होत्रा जी, प्रेमपाल सिंह जी, सनातन धर्म मंदिर जो HIG में है वहां से श्री बागला जी और श्री अमरीश जी आ जाए, महाश्री मंडल से डीके महाश्री जी, शिव मंदिर सेक्टर 30 से भगत सिंह विकल जी, बटरफ्लाई करते रहिए बटरफ्लाई, अग्रवाल समाज स्प्रिंग फील्ड से संजीव गुप्ता जी और उनके साथियों, प्रभात मंदिर से पक्षी जी, राजेंद्र एकता में इस सामाजिक कार्य में जोड़ा हुआ, इसी बहुत सारे सामाजिक कार्य आपकी संस्था करती रहती है, तो उन सभी सहयोगियों का पुनः अभिनंदन। तो आइए हम लौटते हैं, अगला जो योग हमारा छूट गया है हम करेंगे अग्निशार क्रिया जो पेट के संबंध रोगों को दूर करने में सक्षम है, तो ध्यान देंगे सज्जनों, श्वास भरिए गहरा, पूरा बाहर निकाल दीजिए, अब सांस नहीं लेना, नाक बंद करिए और पेट आगे पीछे चलाइए, मुंह बंद नाक बंद पेट चला करिए, सांस बाहर निकाल के इस समय एक्सहेल होना चाहिए, श्वास
थकान सी होने लगे तो सांस धीरे से खोल नाक खोल के ले लीजिए। ये अग्नि सार क्रिया मोटापा घटाती है, भूख बढ़ाती है, लीवर को सशक्त करती है, पेनक्रियाज को सशक्त करती है और पेट और दूसरे सारे अंगों को स्वस्थ करने में सक्षम है अग्नि सार क्रिया। थोड़ी देर सामान्य स्वास्थ्य होने देंगे, दोबारा इतनी जल्दी ना करें, ध्यान रखेंगे सामान्य हो जाए फिर भरिए स्वास्थ्य, पूरा स्वास्थ्य भरते ही बाहर निकाल दीजिए। आप नहीं देना स्वास्थ्य चढ़ाई में पेट अंदर बाहर, नाक बंद मुंह बंद, अच्छे से पेट अंदर बाहर चलाते रहिए, चलाते रहिए, चलाते रहिए, चलाते रहिए। हाँ इतना ध्यान रखेंगे कि ओवर पावर नहीं करना, जैसे लगेगी थकान सी होगी पेट चलाना बंद और धीरे से सांस ले लेना है। पहला सांस जो अंदर लिया वो धीरे और वश में रह के जाना चाहिए, फिर जो पहला निकल रहा है वो धीरे और वश में रह के निकलना चाहिए तो आपको हानि नहीं करेगा, नहीं तो ये बीपी बढ़ाएगा। इसका लाभ पेट के अंदर को मिलेगा और इसकी हानि यदि हम उठा पाए तो हमें सिर को हानि होगी, ध्यान रखना समझना, बेशकीमती हमारे मस्तिष्क, इसे हमें बचाना है, उसको प्रतिक्रिया ना मिले। तो फिर भरिए श्वास, पूरा बाहर निकाल के और चलाइए पेट। यदि आपको लगता है कि मैं 20 बार आसानी से पेट चला सकता हूं तो 15 बार चलाना, बस जिन्हें लगता है 30 बार चला लूंगा चला लूंगी तो 25 बार ही चलाना, 5 बार और चलाने का जो आपको कॉन्फिडेंस है उस शक्ति को बचाइए। पहला सांस धीरे भरने में इस्तेमाल करना है, फिर धीरे भरते ही अंदर से बाहर निकलेगा, उसे भी वश में रहेंगे, वश में रख के निकालेंगे, फिर नॉर्मल होने का इंतजार करेंगे। यह अग्नि सार क्रिया आप देखिए बहुत गजब का प्रणाम है। अगला प्रणाम हम करते हैं ऊंचाई प्रणाम सजनो, के जैन साहब आए हैं क्या? के जैन साहब प्रिंसिपल रिटायर्ड नेहरू कॉलेज, अगर आए हैं तो एक बार हाथ उठाएंगे। के जैन साहब, खैर कोई बात नहीं, मेरी बात सुन रहा तो आ जाए एक तरफ आगे, एक बार मैं एक दृष्टांत बताऊंगा, इस प्राणायाम को करिए आप, ये गले को यहां से सिकोड़ते हुए यहां से सांस की तरह से जो ऊंचाई प्राणायाम, करते रहिए जितना करें उतना अच्छा होगा। हार्ट के ब्लॉकेज खोलता है ये प्राणायाम, मैंने खोले हुए हैं, अस्थमा को जड़ से खत्म करता है, थायराइड को खत्म करता है, टॉन्सिल, तुतलाहट, हकलाहट, सर्वाइकल, माइग्रेन और फेफड़ों को दृढ़ता मजबूती देता है ये प्राणायाम। ऊंचाई बहुत गजब का है, तो देखिए फिर से करिए, यहां कंठ में गड्ढा एक नहीं कई सारे बनेंगे, अपना गला नहीं दिख रहा पड़ोसियों का देख लीजिए जिनका ठीक हो रहा है। सजनो नेहरू कॉलेज के प्रिंसिपल के जैन साहब का 2009 फरवरी का महीना था, मुझे अचानक घबराहट भरा फोन आया, आचार्य जी कहां हो, मैं क्या सेक्टर बोल रहे कॉलेज कितनी देर में आ जाओगे, मैं 5 मिनट में, मैं अपने गाड़ी में बैठ चुका था जब उनका फोन आया था, किसी क्लास से निकला था, उनका फोन आया, मैंने कहा घबराहट की आवाज, मैंने कारण नहीं पूछा, कार्य नहीं पूछा, तुरंत नेहरू कॉलेज वोमेन वाले में पहुंचा, कई प्रोफेसर्स ने एक प्रोफेसर को घेरा हुआ था, प्रिंसिपल साहब मेरे इंतजार में खड़े थे और पहुंचते ही अच्छा जी जल्दी देखिए इनको गाजर अटक गई गले में, ध्यान देना सजनो हम भोजन रोज करते हैं, पारिवारिक जन है, इंसान है, मनुष्य है, किसी के घर में ऐसा हो सकता है, उनको गाजर अटक गई थी, फरवरी का महीना था, लंच में सलाद लेके आए थे, गाजर क्योंकि कटी हुई थी सलाद में, अगर वो गोल गोल पतली होती ना गाजर नीचे से वो पूरी होती तो गले को चोक कर देती और खतरे में पड़ जाता जीवन, जीने लायक मुश्किल से सांस आ रहा था, यहाँ से लाल बह रही थी, यहाँ से नाक से गंदगी और आंख से आंसू बह रहे थे, जैसे तैसे सांस आ रहा था, सारे प्रोफेसर एक तरफ हटे, मुझे नहीं पता उनके के जैन साहब को मेरा नाम कैसे याद आ गया, ऐसी मुसीबत में उनके 3 साथी एक बत्रा में फोन कर चुके थे दिल्ली, एक मैक्स में आ रहे था अपोलो में, अपने अपने फैमिली डॉक्टरों को सर्जनों को कि ऐसा हो गया हमारे प्रोफेसर को क्या करें, मैंने जाते ही मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसे करिए, गाजर तुरंत बाहर हो गई सजनों,
ये परमात्मा की प्रेरणा थी। मुझे कोई अनुभव नहीं था कि मैं गाजर निकालता हूँ दूसरों की, परमात्मा ने मुझे प्रेरणा दी। परमात्मा हमें अच्छे कार्यों के लिए कदम कदम पे प्रेरणा देते हैं, हम उनकी प्रेरणा को अनसुना करते हैं, अवहेलना करते हैं। हम जब भी कोई बुरा कार्य करते हैं अंदर से प्रेरणा आती है कि नहीं ये कार्य त्याज्य कर्म है, ये करने योग्य कर्म है, उसमें उत्साह देते हैं, आनंद देते हैं, वो परमात्मा की प्रेरणा होती है। हमें वो अनसुनी हो जाती है तो हम दोषी हो जाते हैं, हम उनको सुन लेते हैं तो हमें उसका फल मिलता है। वो प्रिंसिपल और प्रोफेसर साहब की गाजर निकली, जीवन खतरे से बचा, गला कटने पिटने से बचा और आज वो स्वस्थ है। तो खैर प्रिंसिपल साहब खुद बताते तो अच्छा होता। अब आप अग्नि ऊंचाई बनाने का दूसरा तरीका देखिए, जिससे ब्लॉकेज खुलते ही खुलते हैं। सजनों एक वो होता है बोर्ड जिसपे हम एग्जाम शीट रख के लिखते हैं, लकड़ी का बोर्ड, गत्ते का बोर्ड, उस पे फेविकॉल की 10-20 टिक्कियां चिपका दीजिए और इतनी ही रबड़ के टुकड़े पर चिपका दीजिए, उनको सूख जाने दीजिए। जब वो सूख जाए अब लकड़ी के बोर्ड को ऐसे पकड़ पकड़ के खींचिए, भले से प्लास से खींचिए आप, अलग अलग एंगल से पकड़ के, जैसे मोबाइल है ये डायरी है, इसको यहां से भी खींचा, यहां से भी खींचा, यहां से भी, हर जगह से खींचिए। क्या कोई सी टिक्की गिरेगी? एक भी टिक्की नहीं गिरेगी। अब रबड़ वाले बोर्ड को खींचना शुरू करिए, एक भी टिक्की रहेगी नहीं, भले कितनी सख्त चिपक रही थी वो सारी टिक्कियां गिर जाएंगी। ये हमारा रबड़ का बोर्ड है, भले ही इसमें पसलियां हमारी हड्डी की हैं, पर क्योंकि मांस है, मांसपेशियां हैं और त्वचा है, ये हमारी स्ट्रेचेबल है। जब हम इसको ऐसे करेंगे ना, ये सारी मांसपेशियां खींचती, पाइप खींच के वायु का वेग जा रहा है, ब्लॉकेज खोलता है, ये अस्थमा को ठीक करता है। मैंने खोले हुए, आप भी इस अभ्यास को करके अपना स्वास्थ्य वर्धन करें अपने इष्ट मित्रों का। ऐसे फिर करिए साइड में, दो एंगल से खींच लिया हमने अपने सीने को, सीने की आर्टरीज को, अब तीसरा एंगल ऐसे पीछे खींचिए। इसमें वो ना करें जिनको चक्कर आते, ध्यान देंगे जब भी हम सिर पीछे खींचेंगे हमें चक्कर आ सकता है, उनको जिनको ऑलरेडी आते हो। भरा श्वास, ये फ्रंट की आर्टरी सारी खींच गई, वायु का वेग चल रहा है। फूंकनी में यदि कुछ अटका हुआ, जिससे माता बहन चूल्हा जलाती थी, तो फूंकनी में अटका हुआ फूंक मारेंगे तो वो बाहर जाएगा। पानी चलता साइफन में, साइफन में मिट्टी कहीं जम गई तो पानी रुक जाएगा, यदि वो मिट्टी हटेगी तो पानी निकल जाएगा। ऐसे ही आर्टरी में यदि कहीं ब्लॉकेज है तो आपका वो ब्लॉकेज खुलेगा कैसे? इस वायु के वेग से, और स्ट्रेच कर रहे हैं हम मांसपेशी आ रहे हैं उसकी, तो निश्चित रूप से सर्वाइकल, ये मांसपेशी इतनी मजबूत हो जाएगी। आप ऊंचाई करते हुए अपने गले को देखिए, गले नॉर्मली ऐसे दबाइए, देखो कितना गरम गरम गला हमारा, ऐसे ऐसे आप ऊंचाई करते हुए दबाइए, जैसे ट्यूब में हवा भरते हैं और ट्रक वगैरह जो भी गाड़ियां होती है हमारी, बहुत सारा टना वजन ले जाते हैं, हवा भर जाती है ट्यूब के अंदर। इन हाइड्रिक के अंदर जब हम हवा भरेंगे तो सशक्त होगी, तो क्यों होगा हमें सर्वाइकल, क्यों होगा माइग्रेन, कुछ नहीं होगा। अब जिन्हें हाई बीपी रहता है, जिन्हें हाई बीपी रहता है उन्होंने गोली छोड़ दी है। सजनों आपका हित चिंतक बन के आया हूं मैं, तो बाएं से भरे बार 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 लेफ्ट से भरना है हाई बीपी वाले, और दाएं से निकालें, बाएं से ही भरें, दाएं से निकालें, बाएं आपका इधर वाला नाक है, ध्यान देना, हाथ दाया रखें, इधर वाला हाथ यहां रखें आप, तो बाएं नाक से सांस भरेंगे और दाएं से निकालेंगे। ये चंद्र नाड़ी है, चंद्रमा रात्रि को शीतलता सुनिंदता और ताजगी देता है, वैसे ही चंद्र नाड़ी से गया हुआ प्रत्येक श्वास, चाहे एक बार ले चाहे हजार बार ले, ठंडा जाएगा प्राकृतिक रूप से ठंडा, वो हमारे बीपी तनाव स्ट्रेस सब को दूर करता है। और यदि इससे विपरीत किसी को लो बीपी है, वो बार बार दाहिने से भरे और बाएं से निकाले, दाहिने से भरे और बाएं से निकाले, दाहिने से भरे बाएं से निकाले, आपका सूर्य वेदी प्राणायाम हो जाएगा। निश्चित रूप से सूर्य वेदी तब होता है जब हम भरते हैं धीरे धीरे, चार गिनते हुए, आठ गिनते हुए रोक भी लेंगे या ज्यादा गंभीर संख्या कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे निकालेंगे तब होगा। लेकिन क्योंकि हमें कम समय में यहाँ ज्यादा लाभ लेना है योग से, इसलिए भरते हैं धीरे धीरे और निकालते हैं, रोकना नहीं हमें, क्योंकि हमें बीपी ठीक करना है, तनाव स्ट्रेस दूर करना है। अगला प्राणायाम शीतकारी है, तो देखिए होंठ खोलिए और दांत मिला लीजिए, दोनों दंत पत्तियों को, सांस अंदर खींचना है ऐसे,
चेहरा नहीं बिगाड़ना, स्मूथली और स्माइली चेहरा होना चाहिए ऐसे। ठंडा अंदर जाएगा, मुंह बंद करते ही नाक से निकालना है, भरते ही मुंह बंद कर लेंगे, होल चिपका लेंगे और नाक से रेचक करेंगे, भरने को पूरा खोलेंगे, रोकने को कुंभक खोलेंगे, चाहे अंदर रोक रहे चाहे बाहर रोक रहे, वो बाह्य कुंभक अभ्यंतर कुंभक, लेकिन निकालने को हम रेचक बोलेंगे, तो धीरे से नाक से निकालना, निकालने वाला प्रश्वास गर्म निकल रहा है, जो शरीर में स्ट्रेस आ गया था, तनाव आ गया था, वो आपका निकलेगा और ठंडक अंदर जाएगी, प्राकृतिक रूप से आपकी बीपी की गोली बंद होगी, लेकिन पहले हफ्ता लगातार करिए एक हफ्ते तक, तब धीरे से चौथाई गोली बंद करें, अगर इसको ढंग से करें 10-10 मिनट ऐसे ही भ्रामी करना है तो आपकी गोली छूटेगी, एकदम गोली छूटने की सलाह नहीं दूंगा, अगले हफ्ता फिर करें तो 15 दिन में आधी गोली हो जाएगी, अगले हफ्ता फिर करें महीने भर में पूरी गोली आपकी बंद हो सकती है। ये था सीधकारी, इसी का दूसरा रूप है, वो बड़े बुजुर्ग वो नहीं कर सकते जिनको दांत वगैरह गिर जाते हैं आयु के कारण, बहुत सारी जीवन की लापरवाही व्यस्तताओं के कारण, तो सिंगली प्राणायाम है, जिह्वा को बाहर निकाल के नली बनानी है ऐसे, और नली से स्वाद अंदर लेना है, ठंडा जाएगा, बाहर नाक से निकालना, शीतली वो शीतकारी वो नारी शुद्धि का जो अनुलोम विलोम का जो चंद्र वेदी प्राणायाम था वो हाई बीपी ठीक करेगा, और उधर भ्रामरी मैंने बताया था आपको, हाई बी और लो बी दोनों तरह का बीपी ठीक करेगा, उसे आप करेंगे तो कोई बीपी आपको नहीं रहेगा, कोई तनाव नहीं रहेगा, कोई डिप्रेशन नहीं रहेगा, भ्रामरी तो जितना कर सके उतना अच्छा है। एक बात और बता दूं, भ्रामरी में मेरा यूट्यूब चैनल है सज्जनों, देवराज आर्य नाम से खुलेगा YouTube चैनल, उस पर भ्रामी की वीडियो देखे और दूसरे देखे, चार तरह का भ्रामी, तो ऐसे जब आप कर रहे हैं तो बाजुओं का वेट आपको बैलेंस करना पड़ रहा है, किसी की 5 किलो की बाजू, किसी की 10 किलो की, किसी की 7 किलो की कमती बढ़ती वजन होता है, तो हाथ थक जाते हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे फिर ज्यादा देर, ये तर्जनी उंगली से कान ऐसे बंद हो जाएगा, बाजू वेट यहाँ सीने पे आ गया ऐसे, और जो कनिष्ठ का उंगली सबसे छोटी उससे नाक वहीं से आधा बंद करना है, मैं ऐसे श्वास भरा, श्वास भरते समय नाक खोलना है और ऐसे करा, ओम करिए, इसको ज्यादा बार कर सकते हैं आप, जितना करें उतना आपका बीपी तनाव सारे लोग मानसिक है सत्रों, कम से कम 90-95% लोग हमारे मानसिक हैं, हमारा मस्तिष्क स्वस्थ हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, सकारात्मक हो जाएगा, और सकारात्मकता यदि निकल जाएगी तो रोग नहीं रहेंगे, तनाव नहीं रहेंगे। मेरा एक और आपसे आह्वान आग्रह है, निवेदन है, माता है ध्यान दे जरा, आज से 30-40 साल पहले ऐसा नहीं कि सज्जन कहते ध्यान न दें, वो कुछ भी खाते रहे माता को, क्योंकि बनाना है, कुछ भी भोजन हमारा फैक्ट्रियों में बन के लिया आता था, आज फैक्ट्रियों में कन्वर्ट हो गया रहा है, सूखे फ्रूट जो है उनको रस बोलते हैं, चाय में भिगो भिगो के रस आ रहा, उनको रस खा के कह के हम खा रहे हैं, उन रसों में रस है ही नहीं, वो रस हमें ऊर्जा नहीं देगा, वो आंखों में फंस जाएगा, कॉन्स्टिपेशन करेगा, कब्ज करेगा, और कब्ज होगा तो कौन सा रोग नहीं होगा सज्जनों, इसलिए कोशिश करिए वनस्पति भोजन खाने की कोशिश करें, जो वनस्पति जगत से मिला है, जो धरती माता से मिला है, जो माँ ने बनाया है, माँ के बनाए हुए रोटी, माँ का बनाया हुआ खाना, एक समय का बासी भी खाना पड़ जाए, दूसरे समय का खाना पड़ जाए, वो खराब नहीं होता, उससे आपको पोषण मिलेगा, फैक्ट्री से बने हुए जो ब्रेड आ रहे हैं ध्यान देना, मेरे घर में एक बिल्ली है आजकल, वो बिल्ली वो ब्रेड डालते तो खाती नहीं है, और इंसान का नाश्ता ही ब्रेड से हो रहा है, बताओ शुरुआत ही खराब कर दी हमने, बिस्कुटों से हो रहा है, ये सारे सारे मैदे के पदार्थ यहाँ जम जाते हैं, जमेंगे तो मोटापा भी बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेंगे, और दूसरे लोग आएंगे, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा वनस्पति भोजन करें, जो वनस्पति जगत से हमें मिला है, जो प्रकृति माता धरती माता की गोद से जैसा मिला है वैसा 30-40 साल पहले
हम ग्रहण करते थे, आज फैक्ट्रियां चल रही, किसी भाई की फैक्ट्री हो तो मुझे उस बात की परवाह नहीं होती थी। ठीक है जी, मैं सत्य से विचलित नहीं होता, मैं सत्य की बात करूंगा ही करूंगा, तो वो बुरा माने या ना माने वो आपका काम है। ठीक है जी, पर क्योंकि यदि हम फास्ट फूड खाएंगे, हम चाउमीन पिज्जा बर्गर इनसे अपने बच्चों को संस्कार देना चाहेंगे तो भारत उन्नत नहीं होगा। भारत के जो वीर हैं, जो योद्धा हैं, जो युवतियां हैं, जो बेटे हैं, वो इस तरह से मेडल नहीं लेके आएंगे, स्वर्ण पदक नहीं जीतेंगे और दूसरे कार्य में सफल नहीं होंगे। उनकी कार्य क्षमता घट जाएगी और थोड़ा थोड़ा चार चार कदम चढ़ के सीढ़ियां दो मंजिल की चढ़नी पड़ जाए, वो सोचते हैं लिफ्ट इस्तेमाल कर लें तो उनकी क्षमता घटेगी। तो वो हमारा खान पान पे निर्भर करता सजनो। यदि आप स्वस्थ रहना और रखना चाहते हैं अपने परिवार को, मित्रों को, सभी को, गुनगुना पानी पिया करें शुरू कर दीजिए और सुबह उठते ही यदि आप गुनगुना पानी पीएंगे, एक से सवा लीटर बड़े लोग और बच्चों को भी आधा लीटर तो कम से कम पीना चाहिए, गुनगुना पानी पिएंगे, मन पे दबाव बनेगा, उसका नींबू डाल सकते शुरू करता है तो पेट अच्छे से साफ होगा, पेट अच्छे से साफ होगा तो योग करने का लाभ मिलेगा, पेट साफ नहीं हुआ तो लाभ नहीं मिलेगा। और सजनों, दोनों समय शौचालय जाने का अभ्यास डालें, दोनों समय यदि मन बाहर होगा शरीर से, क्योंकि हम खाते कई कई बार है, चाहते एक बार, अधिकतर लोग एक बार यदि जाएंगे तो एक समय का मन अंदर रहेगा, विकार और व्याधियों को जन्म देगा, बहुत सारी बीमारियां आएंगी। जब दोनों समय शरीर से मल बाहर होगा तो आपकी सोच भी अच्छी होगी, बुद्धि भी ठीक काम करेगा, हमारे तनाव स्ट्रेस को नहीं रहेगा, कोई रोग नहीं आएंगे। इसलिए पेट साफ का ध्यान देना, शाम की पेट साफ करने की तैयारी करनी पड़ेगी, फिर से नींबू पानी गर्म पानी पीना पड़ेगा, तब सफलता मिलेगी, अन्यथा हम जाने की सोचेंगे दबाव बनेगा नहीं, हाजत होगी नहीं तो पेट साफ नहीं होगा, आ जाएंगे ऐसे। जब संकल्प के साथ जाएंगे रोजाना जाना छोड़े, उन मांसपेशियों को उस समय काम करने की आदत बनेगी, आपको सफलता मिलेगी और लापरवाही ना करें, चाहे आप किसी भी व्यवस्था में भले ही हो, वहाँ जाना ना छोड़े, चाहे विवाह में, शादी में, पार्टी में, फंक्शन में, दोनों समय अवश्य जाए। सोच लें पहले ही, जो सुबह नाश्ता लिया था, दोपहर को लंच लिया था, वो पच चुका, उसकी सात धातुएं जो थी वो बन चुकी है और असार तत्व वेस्टेज के रूप में, मल के रूप में अंदर स्थित है, मलाशय में, वो निष्कासित होना चाहिए। आप पूछते हैं कि क्या बनाया गृहिणी ने, तो उन्होंने जो बनाया था बना लिया, लेकिन हम खाने के पात्र नहीं है, हमें खाने के पात्र हम तब बनेंगे जब हम उसको पहले को निष्कासित कर सकें। एक मिनट आंखें बंद करके बैठ जाएंगे, हमने छोटा सा संक्षिप्त ध्यान पाठ्यक्रम के अनुसार कर लिया था और थोड़ा सा ध्यान करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, मधुर स्मृतियों में लाते हैं। आराम से बैठ जाइए, जो आसन आपको सुखद लगे, जिन्हें नीचे बैठे बैठे कोई दिक्कत हो, कुर्सियां लगा के हमारे आए उन्होंने तो कुर्सी पे बैठ सकते हैं। तो आइए मेरे साथ थोड़ा सा गुनगुनाएंगे, तीन बार उनका जाप, मंत्र
ध्यान को ले जाइए, नदियों के अंदर कितने खुदाई की उनके अंदर,
किसने उनके अंदर जलधारा सी तलवार रखी है, निरंतर साल से साल वर्ष भर बह रही है, कोई शक्ति है उस शक्ति का ध्यान कीजिए। रत्नाकार का रत्ना, रत्नाकार का रत्नाओं के अंदर दर्शन करना है हमें। ध्यान को ले जाइए ऊंचे ऊंचे वृक्षों के उन चोटियों पे, उनके ऊपर फल फूल जो लदे हुए उन पे ले जाइए। धरती में वृक्ष गड़ा हुआ है और धरती से विटामिन ले रहा है, सारे पोषक तत्व लेकर के फल के अंदर कैसे उनमें रस आ रहा है उन सब ले जाइए। ध्यान को परमात्मा की रचना में खो जाइए, फलों के अलग अलग स्वादों में ध्यान को ले जाइए, ध्यान को अलग अलग भांति भांति के पत्तों में ले जाइए। सब पत्ते हरे हैं, लेकिन शीशम का पत्ता नीम से मेल नहीं खाएगा, आम का पत्ता बरगद के पेड़ से मेल नहीं खाएगा, पीपल का पत्ता और किसी पेड़ से मेल नहीं खाएगा, सबके पत्ते हरे हैं, लेकिन हरे में भी भिन्नता है, कहां से इतनी साई लाए वो परमेश्वर, उनकी उस शक्ति पे ध्यान को ले जाइए। फूलों के रंग भांति भांति के हैं, उन फूलों के रंगों पे ध्यान को ले जाइए, कहां से कूचियां लेके आए वो, कैसे उन्होंने रंगों को भरा है, पत्ता एक तरफ से हरा है एक तरफ से लाल है, कैसे उनको रचा है, सारी रचनाओं में ध्यान को ले जाइए। और अब ध्यान को परमात्मा की रचनाओं से हटा करके जो पक्षीगण आकाश में उड़ रहे हैं, कैसे अनुशासन में उड़ रहे हैं, स्थल पे चींटियां चींटे चल रहे हैं पंक्तिबद्ध होकर के आकाश में, पक्षी पंक्तिबद्ध होकर उड़ रहे हैं, कभी वो विषय पढ़ रहे हैं, कभी वो जमा के निशान में उड़ रहे हैं, कभी वो आगे से पीछे की पंक्ति में उड़ रहे हैं। नेता उनका नेतृत्व कर रहा है, किसने उनको सिखाया है, हम मनुष्य हैं, हम अनुशासन में नहीं रह पाते, हमें अनुशासन में रहने की जीव मात्र प्रेरणा दे रहा है, प्रकृति का पत्ता पत्ता कणकण प्रेरणा दे रहा है, हमें उनसे प्रेरणा लेनी है, परमात्मा हमें प्रेरणा दे रही है, हमें अपनी प्रेरणा लेकर के अपने को अनुशासित करना है। और आप ध्यान को केंद्रित कीजिए फिर से प्रकृति में, इधर उधर से लगाम लगाते हुए प्रकृति में केंद्रित कीजिए, श्वास पे ध्यान लगाइए, श्वास ऊर्जावान प्राणदायक अंदर जा रहा है, और शरीर से झाड़ू लगाते हुए सारे विजातीय तत्वों को बाहर निष्कासित करते हुए हमें हल्का बोझ तेज युक्त कर रहा है, हमें सशक्त कर रहा है, ऊर्जावान कर रहा है, हमारी अशक्तियों को नकारात्मकता हीन भावना दुर्भावना को नकार रहा है। धीरे से आंखों को हाथों को रगड़िए और आंखों पे मलिए और आंखों को ढक लीजिए, आंखों को खोल लीजिए, फिर से आंखें बंद करिए, हाथों को रगड़िए, पामिंग क्रिया है, जब हम काफी देर तक ध्यान में प्रार्थना में आंखें बंद रखते हैं तो एक लाइट में आगे खोलेंगे तो एकदम चुटिया जाती है, आगे खोलिए ढक लीजिए फिर से रगड़िए तीन बार कर लीजिए, हाथों को गर्म करके आंखों में ढकिए, आगे खोल लीजिए और धीरे से हाथ लगाइए और आप दिया से लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, सूचनाएं हैं, जल बचाओ वृक्ष लगाओ, ये प्रतिज्ञा हम सब ने यहाँ एक ब्लैक बोर्ड है और साथ में मार्कर रखा है, अपने हस्ताक्षर करके जाएं, जब जाएं, अभी नहीं उठना, जब जाएं इस पे हस्ताक्षर करके जाएं कि मैं संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि जल बचाने के लिए मैं अपना योगदान दूंगा, जहां कहीं भी मैं जल बचाने का काम कर सकता हूँ वो करूंगा, उस पे हस्ताक्षर करके जाए सब। दूसरा जलपान, कुछ जूस और जलजीरा वगैरह की व्यवस्था है वो लेकर जाएंगे, और ये पार्क के जो आरडब्ल्यू यहाँ की है राजीव मल्होत्रा जी और प्रेमपाल सिंह जी, उनका विशेष धन्यवाद, और जिन संस्थाओं के यहाँ बैनर लगे हैं अगर वो चाहें, आज योग दिवस है, शाम तक योग दिवस रहेगा, अगर वो अपने मोहल्ले में अपने आस पास नहीं इस बैनर को लगाना चाहें, अपनी अपनी संस्था का बैनर जो यहाँ प्रतिनिधि बैठे हैं वो उतार के ले जा सकते हैं, आराम से उतर जाएगा, ज्यादा उससे भी लगा हुआ, और अगर आप नहीं लेके जाएंगे फिर हम इनको इकट्ठा करके शाम को जब जैसे ही फुर्सत होगी इकट्ठा करके हम इनको अपने पास सहेज के रखेंगे, आप ले जा जो सस्ता ले जाना चाहे ले जा सकते। मैं योगाचार्य जी का सम्मान अभिनंदन करने के लिए आमंत्रित करता हूँ श्री बलराज गुप्ता जी, पूर्व अध्यक्ष हैं, सलाहकार हैं, श्री विष्णु गुप्ता जी फाउंडर हैं, श्री नरेश अग्रवाल जी हमारे सलाहकार हैं, और श्री ओके अग्रवाल जी जो मानव जीवन कल्याण ट्रस्ट के, और साथ में श्री रुंडा साहब, आप योगाचार्य जी का अभिनंदन करें हम सबकी ओर से। मैं उनका भी
आभार व्यक्त करता हूँ सदैव सरसी